ओम शांति। 17 नवंबर 2021, बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। प्रश्न, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे? उत्तर, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गरम होना, इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। गीत, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहां आवाज भी बहुत होता है, घंटा घड़ियाल, गीत भजन, रोना पीटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किसम किसम के आवाज, मंत्र जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे हैं। किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते हैं। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते। बिल्कुल शांति से दो अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिवान जो होते हैं वह दो अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, तुमको राह बताता हूँ। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहने चाहते हो ना? पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या आकर करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा। वास्तव में यह यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं। यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं। देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे,
फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा, जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है? याद में रहती है। तुम भी सब पत्नियां हो, यह शिव बाबा पतियों का पति है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई, खात्री हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते हैं, तुमको भी बाप कहते हैं। निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। भल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। यह बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहां टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है। यह है गुप्त। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भव, पवित्र बनो तो यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं। बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस, अपने को आत्मा निश्चय करो। बस अब हमको अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वह घर को याद करेंगे। यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। यहां से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड़ियों का झुंड कितना बड़ा होता है। सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियां भी ऐसी होती हैं। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगी उनके पिछाड़ी। वह जैसे उन्हों का साजन हुआ। उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। शास्त्रों में भी है आत्माए सब मच्छरों सदृश्य भागती हैं। अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। तुमको तो
एक बार भागना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवास कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने मिसल पीसते हैं, बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है, परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है, गीता में दिखाया है, अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे यह परमात्मा थोड़े ही है। गीता में तो लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजोमय साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं, 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर यह गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बगैर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। यह साधारण था। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए, जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है। यह भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं सो करके भी लेट करके मुरली सुनो। यह है धारणा की बात। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं है। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम यह नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो ये होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, वह नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है। तब यह नतीजा निकला तो डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर। इसलिए यह महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए,
नर से नारायण बनाते हैं। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना? क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है, अभी भी किसको कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाए। आंख दिखाना, गरम होना, जोर से बोलना, इसकी दरकार नहीं है। इसमें काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। बाबा का बने गोया पांच विकारों का दान दे दिया। कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है ना? पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है। तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता, और किसकी यह महिमा नहीं? उनका कर्तव्य भी ऐसा है। यह पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं। यह बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही पाना। तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। यह त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई जानता नहीं। बाबा है नॉलेजफुल। वह आते ही हैं, रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देने। ठिक्कर भीतर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर यह कह देते हैं सर्वव्यापी। उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है। वह तो बेहद का बाप है। सबसे बुद्धि योग तोड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वह कहते, आत्मा बुदबुदा सागर से निकला है, सागर में लीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते हैं, यह भक्ति की भी ड्रामा में नोंद है। मैं भी ड्रामा की नोंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्कर लगाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ होता है सब नोंद है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघ्न भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वह आते ही हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते। शरीर सहित थोड़े ही किसको भगाने आया हूँ। मुझे तो कहते हैं, हे लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो, जहाँ चैन सुख शांति पाए।
तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए आत्माओं को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो यह बात बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं है। जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है, गुटका खाते हैं, कुछ न कुछ लैस आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ न कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुक तो हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरा, साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। वरदान, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हरेक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ओम शांति।